नमस्कार साथियों, मैं आरके मिश्रा इंजीनियर सडा पे स्वागत करता हूँ। मेरे साथ कीर्ति मैम, अविनेश सर हैं। एक इम्पॉर्टेंट बार बार बच्चों के बीच क्वेरी आ रही है, और शायद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये उनको अगर ये बता दिया जाए कि SSC JEE 2022 हमारा वैकेंसी आएगी, तो पूरी टीम का हमारा ओपिनियन जानेंगे, क्योंकि इस समय इंजीनियर सडा 247 पूरे यूट्यूब कम्युनिटी में आप लोगों को मैक्सिमम हेल्प कर रहा है। तो आप लोगों के क्या ओपिनियन सर? देखिए, सबसे पहले तो ये जो थॉट है ना सर कि वैकेंसी कितनी होगी, गाइस देखो, प्रिपरेशन इस लेवल की होनी चाहिए कि अगर 100 सीटें भी है ना, प्रिपरेशन ऐसे करो धमाकेदार कि एक सीट आपकी पक। सीट्स ज़्यादा होने से या कम होने से जरा सोचिए प्रिपरेशन के आप करने लगेंगे। मान लीजिए चलिए 1000 की जगह अभी 5000 वैकेंसी आ गई, तो प्रिपरेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी क्या? नहीं ना, जो ऑलरेडी पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं डे वन से बेचारे स्टूडेंट्स, जो एकदम टैक नॉन टैक सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए चल रहे हैं, तो सीट तो उनको मिलेगी ना, ना कि आपकी कि आप सोचिए एक महीने पहले वैकेंसी डिस्क्लोज हो गई तो एक महीने में आप क्या मतलब तोप चला लेंगे। तो नहीं है ना कि आपको ब्रह्मास्त्र छोड़ देंगे और आपने दाल रोटी नहीं है कि ना तुरंत ना सारी चीज़ें हो जाए। तो यहाँ पे अपना ये जो मोटिव है ना, ये सेट कीजिए कि वट एवर द वैकेंसी, उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता है। डे वन से अभी भी समय अगर नहीं प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो जितनी भी चाहे वैकेंसी आए आपको एक सीट पक्की कर। रही बात इसकी कि कितनी वैकेंसी आई, तो देखिए आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का जो स्टेटमेंट है वो आपको याद ही होगा। आगे चलूंगा कीर्ति मैम से, क्या कहना चाहिए? तो सर, जैसा गवर्नमेंट जो जिस फ्लो में जा रही है, तो यही हो सकता है कि वैकेंसीज और इंक्रीज होगी। मैं भी वही बात बोलूंगी कि चाहे आप फ्रेशर हो चाहे आप रिपीटर हो, आपका पूरा कंसंट्रेशन इस बात पे होना चाहिए कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, क्योंकि जो पूरा सिनेरियो देख रहे हैं 2 साल बाद तो वैकेंसी आने वाली है, तो इसीलिए आपका ये लास्ट सिनेरियो होना चाहिए। और आरके सर यहाँ पे पूरा स्टैटिक्स बताने वाले हैं आपको वैकेंसी। तो देखिए, मैं आपको आनंद एवरेज बताऊँ, रिसेंट 2 सालों का भी स्टैटिक दे दें तो 20 में, तो 20 में अराउंड देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी को आपको आया हुआ है ये 784 क्या 785, ठीक है। और फिर उसके बाद 19 का जब आप स्टैटिक देखेंगे, तो अगर मैं आपको बोलूँ तो 1152, फिर उसके पहले का देखेंगे तो अराउंड 1500 के आसपास भी है। हाँ। तो आनंद एवरेज 3-4 साल के एवरेज माना जाए तो SSC का आनंद एवरेज नंबर ऑफ वैकेंसी इस समय जेई के लिए जो 1000-1200 के आसपास चल रहा है। लेकिन मैं आपको इसमें कंट्राडिक्शन ये है सर कि 2022 में हमें याद है मोदी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था, हम 10 लाख एडिशनल वैकेंसी क्रिएट करेंगे, और उसमें SSC का तुरंत बयान आया था कि अपार्ट फ्रॉम रेगुलर वैकेंसी, हम बार बार इसी बात को कर रहे हैं कि 70,000 वैकेंसी ऐड की गई। तो गाइस, जब और ये सर जो टेन्योर है ना अभी का, बहुत सारे लोग रिटायर भी हो रहे हैं, तो बहुत लोगों का रिटायरमेंट टाइम भी है, तो उस हिसाब से भी वैकेंसी बढ़ने का एक क्राइटेरिया और आपका इंक्रीज हो जाता है। दूसरा देखिए, 2021 में तो कोई वैकेंसी आई नहीं थी, जैसा कि आपको पता है पेंडेमिक की वजह से, तो यहाँ पे 2 साल की जो वैकेंसी है वो भी ऐड ही होके आई है, क्योंकि देखिए जो रिटायरमेंट है वो तो नहीं रुका पेंडेमिक की वजह से, रिटायरमेंट तो हुआ ही ना आपका, जो वैकेंसी है सारी वैकेंसी एडिशनल होके आएंगी, तो जो मोर नंबर ऑफ वैकेंसी है वो आप उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि अच्छी खासी जो सीट है सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में तीनों ही ब्रांचेस में काफी अच्छे सीट्स। एजेंडा ये है हमारी पूरी टीम का कि आपको बार बार अवेयर करना कि चाहे वो टेक हो या नॉन टेक है, आपको बैलेंस करके चलना है। रीजनिंग में तो 50/50 स्कोर करना है, टेक में भी मैक्सिमम आपको 80-85% तक जाना है, आपको GK को भी नहीं छोड़ना है, 40+ आपका होना चाहिए एजेंडा, तो ही आप जाके मेरिट लिस्ट में आ पाएंगे, क्योंकि टियर वन का मार्क्स कैलकुलेट होने वाला है, तो गेम ब्रेकर होने वाला है GK, तो उसको भी आप ध्यान से हटाइएगा मत, पूरा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा मेन एजेंडा है। और सर ये लोग बार बार कमेंट करते रहते कि सर वैकेंसी बताइए वैकेंसी बताइए, देखिए वैकेंसी से सर इनको मेरे हिसाब से अफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर हम आपको मतलब ये देखिए सर, मैंने मतलब कि बार बार बच्चों की क्वेरी आ रही थी SSC JEE में कितनी वैकेंसी आएगी, मैकेनिकल और सिविल दोनों ब्रांच की अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, तो आपको एज यूजुअल पता है सिविल मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसीज को कवर किया जाता है, सबसे ज्यादा सिविल। तो भगवान अगर आप लोगों को मतलब कि राउंड अप करें जो भी करें यार, पहले से कुछ तो ज्यादा आएगी, 3000-4000 जो भी अगर कर लें, इतनी भी वैकेंसी आ जाएगी तो आप लोगों की बहुत है यार। आपको एक सीट से पक्का करना है, एक सीट पक्का करना, उसके लिए जी और जान लगा देना है ना। और इंजीनियर सड्डा आप लोगों को इसके लिए हेल्प करने के लिए टेक और नॉन टेक का आप देख रहे होंगे सुबह से लेके शाम तक क्लास। मैम एक बार बताइएगा क्या आपकी? बिल्कुल, तो 8 बजे आपकी करंट अफेयर्स की सेशन होती है, और वो करंट अफेयर्स वैसे होने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत फ्रूटफुल होंगे, और वहीं से क्वेश्चंस आएंगे, तो करंट अफेयर्स आपको देखना है। और GK की जहाँ तक बात है, तो 12 बजे आपका सेशन होता है, रीजनिंग की क्लास आपकी सुबह 9 बजे होती है।
बिल्कुल गाइस, और देखिए सिमिलरली यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल की क्लास है वो आपकी 6 बजे होती है, जहाँ पे एमसीक्यू प्लस और जो पीवाईक्यू है वो आपके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ ये बताएं कि फ्यूचर में भी किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। और दूसरा 10 बजे एक मैं रजिस्टर क्लास ले रहे हैं, 2 बजे कॉन्सेप्ट सिविल इंजीनियरिंग की, और दोपहर 2 बजे में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लास ले रहा हूँ कॉन्सेप्ट की, और बाकी सर लोग ले रहे हैं शाम को 7 बजे मैं ले रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग के लिए, एसएससीजेई के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स का। गाइस नंबर ऑफ वैकेंसीज मैं आपको बता दूं, सिविल में मैक्सिमम आने के चांसेस, देखो मैं आपको एग्जैक्ट फिगर कमिटमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को भी नहीं पता आपको भी नहीं पता, लेकिन सिविल में मैक्सिमम होगा, फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल नंबर बढ़ेंगी, आप अपनी प्रिपरेशन करो। भगवान देखो मेरा जो कैलकुलेशन जा रहा है बार बार 3000+, बाकी देखो एग्जैक्ट फिगर मैं अभी कमिट नहीं कर सकता, ये आप ये मान सकते हैं कि आर के सर ने बोल दिया तो इतनी ही आएगी, बट मेरा जो लग रहा है कि एसएससी के कैलकुलेशंस के हिसाब से, तमाम तरह के बयानों के हिसाब से इतनी वैकेंसी चांसेस है, बस उसमें आपको कितना, एक सीट पक्का। थैंक यू, जय हिंद। और वीडियो को लाइक एंड शेयर, और चैनल पे रेगुलर आप लोगों को यूट्यूब की क्लासेस जरूर देना है, मैं आपको सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक।